जिस कमीशन पर उनको विश्वास ही नहीं, उस कमीशन का वो फॉर्म ही क्यों भर रहे हैं? हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। बाद उनका मार्जिन 13,000 से घटकर 6,000 रुपया है। जो किसी से भी संतुष्ट ना हो उस व्यक्ति का कोई जवाब नहीं है, जो जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए। चुनाव आयोग पर उनको विश्वास नहीं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? एलाहाबाद उपचुनाव में हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहां इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर हो रहे राजनीतिक अखाड़े में लोगों ने यह दिखा दिया कि किसान के नाम पर आंदोलन हो सकता है, किसान की लड़ाई लड़ी जा सकती है, मगर किसान के नाम पर अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी पहचान बनाना चाहेगा तो फिर उसको सबक सिखाया जाएगा। जो लोग 13,000 वोट से जीते थे, किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी, चदूनी जी और सभी किसान नेताओं की सपोर्ट के बाद उनका मार्जिन 13,000 से घटकर 6,000 पे आ गया। जो पोटली रखी थी उस पोटली में सामान नहीं मिला। इसलिए ये सोचने के विषय उन लोगों के लिए है जो जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए, क्योंकि हमने लोगों के दिल जीते। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का जो माहौल बनाया गया वैसा असर ग्राउंड पर नहीं था? मुझे क्या लगता है, सब पूरे देश प्रदेश में जहां भी इस चुनाव को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही थी, लोगों को और दूसरी तीसरी जो 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 लोग होते हैं जो पॉलिटिकल उसको एनालाइज करते हैं, उन सब लोगों ने माना कि यार इसकी तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो लोगों का एक इतना बड़ा अंडरकरंट था उनके व्यवहार को लेकर के और चीजों को लेकर के, लोगों ने उसको वोट में तब्दील किया पहली बार। वो ये कह रहे हैं कि इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, पैसा बांटा गया, वीडियो भी बनाया, हमने शिकायत की लेकिन आयोग ने कार्रवाई नहीं की और सरकारी मशीनरी। वो तो अपने आप से भी संतुष्ट नहीं है। जो किसी से भी संतुष्ट ना हो उस व्यक्ति का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चुनाव आयोग पर उनको विश्वास नहीं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जिस कमीशन पर उनको विश्वास ही नहीं उस कमीशन का वो फॉर्म ही क्यों भर रहे हैं? मुझे हैरानी है। वो तो जीतकर वहां पर उनके कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद के, यानी उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार लिया कि वो चुनाव हार चुके हैं, जीत कर भी हार गए। एक बात वो बार-बार कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि फिर से अगर किसान कहेंगे मैं रिजाइन करने के लिए फिर से तैयार। मैं उनकी इस बात का स्वागत करता हूं और मैं खुले तौर पर ये कहता हूं किसान नेताओं को कि इस बार किसान इस आंदोलन की कोई धाक इसमें नजर नहीं आई। ये मीडिया ने भी लिखा, दजाना सब ने, इसकी चर्चा भी आज गांव में हो रही है। एक बार इसको और टेस्ट करना चाहिए, बहुत जल्द टेस्ट करना चाहिए। और इस बार कोरोना काल नहीं है, चुनाव भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। मैं खुला निमंत्रण दे रहा हूं, हम पूरी तरह तैयार हैं। आज चुनाव हो कल चुनाव हो, गठबंधन इस चुनाव को थंपिंग मेजोरिटी से जीतने जा रहा है, अगर चुनाव होगा तो। दिव्या जी, वैसे तो कल आपने जवाब दिया था, एक वो बात बार बार कहते हैं शेर और लीडर का कुछ उदाहरण देते हैं। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेर हैं और दुष्यंत जी लोगों के प्यार से उनको वो व्याख्या मिली। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब उसको अपने आप को चाहे वो शेर कहें, चाहे राजा कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, शेर तो लोगों के बनाने से बनता है। राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकली। वो शेर की व्याख्या इसलिए दी जाती है कि वो लोगों के दिल पर राज करे। वो लोगों के दिल पर नहीं राज करते बल्कि लोगों में डर पैदा करते हैं। एक अलग सवाल है, एक सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया, 75% आरक्षण, बहुत ऐतिहासिक फैसला है। 75% आरक्षण की नोटिफिकेशन जारी हो गई। अब असली मायने में इसका फर्क नजर आएगा अगले 6 महीने में। इसका नापतोल जब आप करोगे तो लाखों लोगों को इसके अधीन रोजगार मिलेगा।